Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to do the competency-based questions from the chapter The Necklace, written by Guy de Maupassant. But before we start with the questions, let's have a quick look at the theme and the important points of the chapter, as competency-based questions are generally focused on the theme of the chapter. Okay, अब इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं दैट इज मटिल्डा लॉयजिल, उनके हस्बैंड मिस्टर लॉयजिल एंड हर फ्रेंड, हर वेरी डियर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो इट इज़ अबाउट द डाउनफॉल ऑफ वैनिटी। जब इंसान एक्सेसिव प्राइड लेता है खुद में तो उसका डाउनफॉल होता है। इस चैप्टर का जो मेन थीम है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सेसिव प्राइड एंड वैनिटी। यहाँ पे अगर हम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस स्टोरी को देखें तो मैडम लॉयजिल जो हैं, शी इज़ मटिल्डा लॉयजिल दैट इज़, शी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल पर्सन बट शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। उनका हमेशा से ये थॉट रहा था दैट बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल शी वॉज एंटाइटल्ड, यू नो, शी डिज़र्व टू बी बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, टू बी सराउंडेड विद लग्जरीज एंड ऑल। बट उनका एक जन्म जो फैमिली ऑफ क्लर्क्स में हुआ, फिर उनकी शादी भी एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में रही, तो इट वॉज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ सैडनेस फॉर हर, राइट? शी वॉज हैप्पी विद हर हस्बैंड, बट शी वॉज नेवर सैटिस्फाइड विद हर लाइफ। उसको हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए था। जो उनकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर थी, शी वॉज वेरी वेरी रिच। अब अक्सर जब मैडम लॉयजल उनके घर जाते थे तो वो रिटर्न करते थे फीलिंग डिससैटिस्फाइड, यू नो, विद हर ओन लाइफ। नाउ वन डे हर हस्बैंड मिसियर लॉयसिल, ही केम होम विद एन इनविटेशन टू अ बॉल। मैडम, उसने सोचा था कि उसकी वाइफ बहुत खुश होगी, बट वो बहुत गुस्से हो गई, मतलब उदास हो गई। शी रिफ्यूज टू गो टू द बॉल। जब हस्बैंड ने पूछा क्यों नहीं जाना है तो शी सेड कि इतना हाई फाई पार्टी है, मैं कपड़े क्या पहनूंगी। हस्बैंड ने बहुत सोचा, उसने 400 फ्रैंक सेव किया था टू बाय अ गन, तो उसने चुपचाप से वो पैसे मटिल्डा को दे दिए कि तुम जाके अपने लिए ड्रेस ले आओ। फिर उसने कहा कि ड्रेस तो मैं ले आऊँगी बट वॉट अबाउट एक्सेसरीज, वॉट अबाउट ज्वेलरी। तो हस्बैंड वॉज अ वेरी सिंपल फेलो, वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी में बिलीव करता था। ही सेड यू कुड वेयर फ्लावर्स, शी सेड आई विल नॉट गो लुकिंग शैबी। उसके हिसाब से फ्लावर्स उसको शैबी बनाते। तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि तुम अपनी फ्रेंड से कोई ज्वेलरी बोरो कर लो, एंड इवन मटिल्डा लॉयजिल लाइक दिस एडवाइस, सो शी वेंट टू हर फ्रेंड एंड आस्क फॉर सम ज्वेलरी। तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा वहाँ बॉक्स पड़ा है, तुम्हें जो पसंद है ले लो। मटिल्डा ने अपने हिसाब से एक डायमंड नेकलेस चूज किया। द नाइट ऑफ द पार्टी अराइव्ड, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी एट द बॉल। मैनी मैन वॉन्टेड टू डांस विद हर। मैडम लॉयजिल एंजॉयड हर सेल्फ अ लॉट, बट उनके जो हस्बैंड थे वो बोर हो गए, और वो बॉल के दौरान ही समवेयर अराउंड मिडनाइट ही वेंट ऑफ टू स्लीप। इन द मीन टाइम मैडम लॉयजिल शी वॉज एंजॉइंग डांसिंग एंड यू नो हैविंग अ गुड टाइम विद ऑल द पीपल प्रेजेंट। अब 4 बजे जब पार्टी ख़त्म हुई एंड दे स्टम्बल्ड बैक होम, तो घर जाके मटिल्डा ने रियलाइज किया दैट शी हैड लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस। हस्बैंड एंड वाइफ ने बहुत ढूंढा नेकलेस को बट उनको नेकलेस नहीं मिला। अल्टीमेटली उन्होंने, अब वो रिटर्न तो करना ही था मैडम फॉरेस्टियर को, तो उन्होंने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स, जो उनको पैसे मिले थे यू नो फ्रॉम सम इनहेरिटेंस, वो ले लिए। उन्होंने एक ह्यूज डेब्ट लिया ऑफ 18,000 francs एंड दे बॉट अ सिमिलर डायमंड नेकलेस कॉस्टिंग अराउंड 36,000 francs एंड गिव इट टू मैडम फॉरेस्टियर। अब ये डेट पूरा करने के लिए उनको एक छोटे से एटिक में शिफ्ट करना पड़ा। मटिल्डा को अपनी मेड को निकालना पड़ा। अब वो खुद सारे काम करने लग गई। जो उनके हस्बैंड थे वो डबल डबल शिफ्ट करके एक एक पैसे बचाने लगे। 10 साल तक उन्होंने स्क्रिम्प किया, सेव किया। स्क्रिम्प का मतलब होता है अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को उन्होंने निगलेक्ट किया। वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ पे पैसे खर्च कर रहे थे। इन 10 ईयर्स दे वर एबल टू पे ऑफ द लोन। बट अब इस 10 ईयर्स में क्या हुआ, मटिल्डा अब कोर्स हो गई थी, वो रफ हो गई थी। उसकी जो ब्यूटी थी वो इतना हार्डवर्क के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी।
वो कपड़े खुद धोती थी, बर्तन खुद धोती थी, सफाइयां खुद करती थी, बल्कि पानी की बाल्टियां भी वो नीचे से भर भर के एटिक में लेकर जाया जा करती थी। सो बिकॉज ऑफ दैट हर एंटायर ब्यूटी हैड बीन लॉस्ट एंड शी वॉज नो लॉन्गर वेन। अब उसको लाइफ में वो प्रैक्टिकल बन गई थी, उसकी वैनिटी खत्म हो गई थी। अब एक दिन अचानक उसको मैडम फॉरेस्टियर मिली, मैडम फॉरेस्टियर ने उसको पहचाना भी नहीं। फिर जब मेटिल्डा ने बताया कि शी वॉज मेटिल्डा लॉयजेल, तो मैडम फॉरेस्टियर ने पूछा तुम्हें क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू यू। तो फिर उसने पूरी कहानी बताई ऑफ द लॉस्ट डायमंड नेकलेस, एंड टू हर सरप्राइज एंड टू द आयरनी ऑफ द रीडर, उस टाइम पे पता चलता है कि जो वो नेकलेस था जो मेटिल्डा ने बोरो किया था, दैट वाज अ फेक नेकलेस। उसने 500 फ्रैंक्स का नेकलेस के लिए 36,000 फ्रैंक्स का डायमंड नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर को लौटाया। अब यहाँ पे मुझे एक बात क्लियर करनी है, मेटिल्डा वाज वेन, शी वाज नॉट ग्रीडी। उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि वो मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस रख लेंगे। सिमिलरली मैडम फॉरेस्टियर भी मटिल्डा से डायमंड नेकलेस नहीं चाहते थे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सो यहाँ पे ग्रीड कहीं पर भी किसी के भी एक्शंस में नहीं है, राइट? सो दिस इज द बेसिक समरी। ओके, अगर अब हम वैल्यूज की बात करें तो इस चैप्टर से हमें जो वैल्यू मिलता है वो सबसे पहला है कि हमारे पास जो भी है हमें उसके साथ खुश होना चाहिए। वी शुड बी हैप्पी विद वॉट वी हैव। वी शुड ऑलवेज बी ट्रू टू अर सेल्फ। दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे हैं वैसे रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हमारे को कभी भी वेन नहीं होना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे से हायर स्टेशन इन लाइफ है तो हमें उसकी तरह प्रिटेंशंस करने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी वॉट वी आर। नाउ कमिंग टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द टाइटल इज कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट। द एंटायर स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड नेकलेस। द नेकलेस इज अ कैटलिस्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटिल्डा फ्रॉम अ वेन क्रीचर टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रैक्टिकल वुमेन। अगर नेकलेस लॉस नहीं हुआ होता तो मेटिल्डा हमेशा अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड रहती, वो हमेशा वेन रहती, राइट? बट क्योंकि नेकलेस लूज हुआ, उसको लाइफ की सच्चाई पड़ी, तो शी बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, शी बिकेम वेरी प्रैक्टिकल। सो हेंस द टाइटल इज जस्टिफाइड। ओके, नाउ लेट्स जंप इनटू द कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैडम लॉयजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। डू यू थिंक मैडम लॉयजेल एक्सेप्टेड दिस चेंज विलिंगली? गिव टू रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब जब नेकलेस खो गया, उनको ह्यूज डेट लेना पड़ा, तब मैडम लॉयजेल को एक्चुअली में पता चला द लाइफ ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या होता है। अब आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने ये चेंज विलिंगली एक्सेप्ट किया और हमारे को इसके सपोर्ट में दो रीजन देने हैं? तो यस, उन्होंने ये चेंज विलिंगली एक्सेप्ट किया बिकॉज शी एग्रीड टू शिफ्ट टू अ वेरी स्मॉल एटिक। छोटे से अपार्टमेंट में उन्होंने शिफ्ट करने के लिए एग्री किया। उन्होंने सारे हाउसमेट्स को निकाल दिया, शी लेड ऑफ ऑल द हाउसमेट्स एंड शी स्टार्टेड डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क ऑन हर ओन। एंड सबसे बड़ी बात है, शी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट इट। उनको पता था कि वो जो ये लाइफ जी रहे हैं वो उनकी वैनिटी के कारण है, एंड शी हैड अंडरस्टूड हर लेसन, शी हैड लर्न्ड हर लेसन, तो उन्होंने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं किया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन टू थिंग्स यू वुड हैव डन अदर देन व्हाट मिसियर लॉयसिल डिड टू हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लॉस्ट नेकलेस। क्वेश्चन का मतलब है, आप वो कौन सी दो चीजें करते अपार्ट फ्रॉम व्हाट मिसियर लॉयजेल डिड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। नेकलेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी दो चीजें करते जो मिसियर लॉयजेल से डिफरेंट थी। अब यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगी कि फ्रेंच में मिस्टर को एम लिखा जाता है, इट स्टैंड्स फॉर मिसियर, एंड मिसेस के लिए डबल एम ई लिखा जाता है विच मीन्स मैडम। तो जब आपको मिसियर लॉयजल की बात आ रही है, एम लॉयजल की बात आ रही है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द हस्बैंड नॉट द वाइफ। तो इसका आंसर है कि इफ वी वर इन द प्लेस ऑफ मिसियर लॉयसिल
सबसे पहले हमें मैडम फॉरेस्टियर को ट्रुथ बताना चाहिए था और उनको बोलना चाहिए था कि हम नेकलेस को रिप्लेस करेंगे। हम उनसे नेकलेस की प्राइस मांगते रादर देन मेकिंग वेग गेसेस। अगर हमें एग्जैक्ट प्राइस पता हो तो चाहे कम हो या ज्यादा हो, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब जब हमने गेस वर्क किया तो दे ब्रॉट एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नेकलेस। ऑल्दो दे हैडन नोन दैट द नेकलेस वॉज अ फेक वन, डायमंड का नहीं है, बट अगर मैडम फॉरेस्टियर से बात किया होता तो उनको सच्चाई पता चल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन ऑफ द मोस्ट प्लेजरेबल थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू दैट मनी कांट बाय एंड सपोर्ट योर चॉइस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। आप अपने हिसाब से सोच के बताओ कि आपके हिसाब से और ऐसी कौन सी एक प्लेजरेबल थिंग है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती और आपको अपने चॉइस को रीजंस के साथ एक्सप्लेन करना है, सपोर्ट करना है। तो द मोस्ट प्लेजरेबल थिंग विच मनी कैन नॉट बाय इज ऑब्वियसली द कंपनी एंड हेल्थ ऑफ आर लव्ड वंस। अगर हमारे लव्ड वंस हेल्दी होंगे, हमें उनकी कंपनी मिलेगी, तो फिर पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी की लाइफ जो है वो पैसों से नहीं खरीद सकते। सेटिस्फैक्शन एंड पीस ऑफ माइंड एक ह्यूमन बीइंग की प्रायोरिटी होता है रादर देन फेक शो ऑफ। नेक्स्ट, मैडम फॉरेस्टियर राइट्स अ डायरी एंट्री आफ्टर हैविंग मेट मेटिल्डा, नोइंग द ट्रुथ एंड सीइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन हर फ्रेंड। राइट अ शॉर्ट डायरी एंट्री एज मैडम फॉरेस्टियर अबाउट योर एनकाउंटर एंड हाउ यू फेल्ट। यू मे बिगिन लाइक दिस। 20th July, मंडे, 9 PM। आई कुडंट रिकग्नाइज मेटिल्डा एट ऑल। आई विश शी हैड टोल्ड मी द ट्रुथ अबाउट द नेकलेस। अब क्वेश्चन क्या है कि एज मैडम फॉरेस्टियर ने आपने एक डायरी एंट्री लिखनी है। आप अभी अभी मेटिल्डा से मिलकर आए हो, आपको सच्चाई पता चली है और आपने मेटिल्डा में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दो लेवल्स पे हुआ है, वन इन हर फिजिकल अपियरेंस एंड वन इन हर मेंटल कैपेबिलिटी। उसकी सोच समझ अब बिल्कुल बदल गई है। राइट नाउ एज मैडम फॉरेस्टियर यू नीड टू राइट अबाउट दिस एनकाउंटर एंड हाउ यू फेल्ट ऑन नोइंग द ट्रुथ। तो आपको क्यों दिया हुआ है डायरी एंट्री में, डेट डेट टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, एंड देन यू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स एंड द इंसिडेंट। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि काश उसने मुझे नेकलेस की सच्चाई बताई होती। उसने इतना ट्रबल्ड लाइफ जिया है फॉर 10 ईयर्स टू रिपेयर द प्राइस ऑफ अ नेकलेस विच वॉज एक्चुअली ओनली 400 francs। आई थिंक पहले मैंने 500 बोला होएगा, बट इट इज आई कीप ऑन फॉरगेटिंग फैक्ट्स। सो द राइट प्राइस ऑफ द फेक नेकलेस वॉज 400 francs। तो ये चीज़ वो बोलेंगे, फिर वो कहेंगे कि वो तो बिल्कुल भी प्रिटी वुमेन नहीं है। आई एम सरप्राइज दैट डिस्पाइट शेयरिंग गुड रिलेशंस विद ईच अदर शी डिड नॉट शेयर अबाउट द एक्सीडेंटल लॉस ऑफ द पीस ऑफ ज्वेलरी। मेरे को इस बात पे बड़ी हैरानी है कि हम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, हमारा इतना अच्छा रिलेशन था, बट उससे वो हार खो गया था, उसने ये न्यूज़ मुझे नहीं बताया। मुझे याद है, आई रिमेम्बर दैट शी ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड हर स्टेटस, बट द हार्ड टाइम हैज मेड हर रियलाइज दैट वन शुड वैल्यू देयर पोजेशंस। दिस इज द मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। इनिशियली वो हमेशा अपने क्रिटिसाइज करती थी अपने स्टेटस को, बट अब ये जो बुरा वक्त उसने काटा है, उसने रियलाइज किया है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें वैल्यू करना चाहिए। एंड शी विल एंड हर डायरी एंट्री विद हर नेम मैडम फॉरेस्टियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यूर वन ऑफ द कॉलमनिस्ट इन अ मैगजीन। पीपल राइट टू यू अबाउट द इश्यूज सीकिंग योर एडवाइस। नाउ मटिल्डा राइट्स टू यू अबाउट द गिल्ट शी फील्स फॉर हैविंग लॉस्ट द नेकलेस एंड हाउ इट चेंज द कोर्स ऑफ अ लाइफ एंड अ हजबेंड्स। वॉट वुड बी योर एडवाइस टू हर। अब आप एक मैगजीन के लिए कॉलम लिखते हो जिसमें लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एडवाइस मांगते हैं और आप उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हो। अब मेटिल्डा इज गिल्टी, शी फील्स गिल्टी क्योंकि उसने एक नेकलेस खोया जिसके कारण सिर्फ उसकी नहीं बट उसके हस्बैंड की भी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई।
तो अब आप ऐसे सिचुएशन में मटिल्डा को क्या एडवाइस दोगे? तो यू विल से दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज इन योर लाइफ. फेज मतलब समय. यू नो एवरीथिंग हैपेंस इन आर लाइफ इज नॉट कंट्रोलेबल बाय अस. हम हर चीज़ को अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते. सो डू नॉट फील गिल्टी फॉर वट एवर हैपेंड. जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ. मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हें अपना यूथ सेक्रीफाइस करना पड़ा, तुम्हें अपनी लग्जरीज को सेक्रीफाइस करना इन ऑर्डर टू रिपे फॉर द लॉस्ट नेकलेस. बट कभी भी लेट नहीं होता है. मेक अ फ्रेश स्टार्ट. सेव द स्मॉलेस्ट पेनी टू सिक्योर योर ओल्ड एज. तुम्हारा जो स्ट्रगल है उसने तुम्हें सिखाया है द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर एंड हार्डवर्क. सो अपना पास को रिग्रेट करना छोड़ दो एंड ट्राई टू एंजॉय द प्रेजेंट लाइफ विद योर लविंग हस्बैंड. यू नो उनके हस्बैंड ने जिस तरह से अपनी वाइफ का साथ दिया, दैट इज़ रियली रिकमेंडेड. मतलब बहुत सराहनीय है. इट इज़ रिकमेंडेबल. नहीं तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. देर आर रिक्रिमिनेशंस. बट मिसिया लॉयजल वॉज कम्प्लीटली बाय हर साइड एंड फॉर दैट शी शुड बी वेरी ग्रेटफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. मटिल्डा गोज होम आफ्टर मीटिंग मैडम फॉरेस्टियर आफ्टर 10 years एंड शेयर्स द फैक्ट विद मिसिया लॉयजल दैट द नेकलेस वॉज अ फॉल्स वन. राइट द डायलॉग बिटवीन मटिल्डा एंड मिसिया लॉयजल. अब क्वेश्चन क्या है? मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर से 10 साल बाद मिली है. उनको पता चला कि द डायमंड नेकलेस वॉज अ फेक वन. और अब वो ये फैक्ट अपने हस्बैंड के साथ, मिसिया लॉयसल के साथ शेयर करती हैं. तो अब दोनों के बीच का हमें डायलॉग लिखना है. हमें क्यू भी दिया गया है कि डायलॉग कैसे लिखना है. मेटिल्डा कोलोन, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, बट आई मेट मैडम फॉरेस्टियर टुडे एंड शी टोल्ड मी दैट हर नेकलेस वॉज लॉस्ट. मिसिया लॉयसल, वॉट? आई कान बिलीव माई ईयर्स. दैट ह्यूज डेट वॉज फॉर नथिंग. तो ये एक्सपेक्टेड है कि ही वुड बी सरप्राइज, ही वुड बी शॉक्ड. तो अब आपने इस डायलॉग को कंटिन्यू करना है. बिफोर वी स्टार्ट विद द आंसर, प्लीज रिमेम्बर कि डायलॉग फॉर्म है तो आपने नाम और कॉलन जरूर लिखना है और बारी बारी आएगा दोनों कैरेक्टर्स का नाम. ओके. तो अब हमारे को क्यू के बाद हम क्या बोलेंगे? मिटिल्डा विल एक्सेप्ट दैट शी हैड एक्टेड वेरी रेकलेसली. उन्होंने हाइस्टी डिसीजन लिया था. उनको मैडम फॉरेस्टियर के साथ चेक करना चाहिए था अबाउट द प्राइस ऑफ द नेकलेस. शी शुड हैव टोल्ड मैडम फॉरेस्टियर दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस. फिर मिसियर लॉयजल उससे पूछेंगे कि ये बात मैडम फॉरेस्टियर ने तुम्हें खुद बताई या तुमने उनसे पूछा था. वो जानना चाहेंगे कि टॉपिक कैसे स्टार्ट हुआ. तो मेटिल्डा विल टेल हर दैट व्हेन आई ग्रीटेड हर शी डिड नॉट रिकग्नाइज मी. और फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई. एंड व्हेन आई टोल्ड हर द इंटायर स्टोरी शी डिस्क्लोज दैट द नेकलेस वॉज नॉट ऑफ रियल डायमंड. फिर मिसियर लॉयजल बोलेंगे कि चलो अब तो ये हो चुका, वी कैन डू नथिंग नाउ, द टाइम इज पास्ट. तो मेटिल्डा अब यू नो शी इज अ लेडी हु नोज द वैल्यू ऑफ मनी नाउ. तो वो जरूर बोलेंगे कि वी शुड आस्क हर टू रिटर्न द रियल डायमंड नेकलेस. वो एक जेन्युइन लेडी है, मेरी फ्रेंड है. सो शी शुड रिटर्न द नेकलेस टू अस. तो मैडम लॉयजल, मिसियर लॉयजल फिर उसको यही बोलेंगे लास्ट में कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे. अगर आपको मिसियर लॉयजल की क्वालिटी पता हो, ही लव्स हिज वाइफ सो मच कि उन्होंने कभी भी उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया. उन्होंने चुपचाप से अपने गन के लिए जो पैसे सेव किए थे वो भी उनको दे दिए. जब नेकलेस लूज हुआ, उनको सारे उनका जो कंफर्ट ऑफ द हाउस था सब छोड़ना पड़ा, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा. तो अब भी जब मैडम लॉयजेल वो नेकलेस मांग रहे हैं, ही वॉन्ट्स हर टू डू एज शी डिजायर. सो दैट इज द वे यू कैन एंड योर कॉन्वर्जेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. योर टीचर कंडक्टेड टर्न टेबल्स इन क्लास एंड आस्क यू टू पुट फोर्थ योर व्यूज ऑन फ्रुगैलिटी इन लाइफ इज द आइडियल वे टू लिव. टर्न टेबल्स इज अनदर नेम फॉर डिबेट. अब आपके क्लास में एक डिबेट हुआ है और आपको बोला गया है कि आपने अपने व्यूज बताने हैं ऑन द टॉपिक फ्रुगैलिटी इन लाइफ इज द आइडियल वे टू लिव. फ्रुगैलिटी का मतलब होता है मीगर स्पेंडिंग, बहुत खर्चीले नहीं होना, सोच समझ के पैसे खर्च करना.
तो अब ये डिबेट स्क्रिप्ट आपने लिखनी है विद पॉइंट्स टू सप्लीमेंट योर स्टैंड। पॉइंट्स टू सप्लीमेंट योर स्टैंड मतलब आप डिबेट है ना, तो आप बोल सकते हो कि हमें एक फ्रूगल लाइफ जीनी चाहिए, और यू कैन बी अगेंस्ट दिस कि नहीं, लाइफ इज़ फॉर लिविंग, अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो हमें पैसे खर्च भी करने चाहिए। तो आप दोनों वेज में आइदर यू सपोर्ट इट और यू आर अगेंस्ट द मोशन, राइट, एंड यू कैन कंक्लूड विद योर ओन व्यूज। तो अब डिबेट किस टॉपिक पे है कि हमारे को अपनी लाइफ में फ्रूगल होना चाहिए, दैट इज़ द आइडियल वे टू लिव। तो अब हमारा, हम जो सोचते हैं हमने उसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट किया है वो बेसिकली आई हैव टेकन मैडम लॉइजल इनटू अकाउंट, और फिर उसके हिसाब से आई हैव प्रेजेंटेड माय जजमेंट्स, प्रेजेंटेड माय आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने शुरुआत की है कि हमने हमेशा पेरेंट्स से सुना है कि अ पेनी सेव इज़ अ पेनी अर्न, और बहुत सालों तक मुझे ये उनका आइडियलिज्म पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमें उसको फुल्ली यूज़ करना चाहिए, बिकॉज लाइफ अनसर्टेन है। लाइफ चली जाएगी तो हम एंजॉय कब करेंगे, राइट? हमारे पास एक ही लाइफ है, एक ही दिल है, सो वी शुड एंजॉय आर लाइफ टू द फुलेस्ट। बट लाइफ टॉट मी अ लेसन ड्यूरिंग द COVID-19 पीरियड व्हेन इट हिट माय फैमिली सो बैडली, नॉट ओनली माय फैमिली बट थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स ने जो एक एक पैसा सेव किया था उस पैसे ने हमें सस्टेन करने में मदद करी। मुझे तब समझ में आया कि हमें अपने रिसोर्सेज को अननेसेसरीली ख़राब नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम मिनिमलिज्म एडॉप्ट करेंगे, मिनिमलिज्म का मतलब होता है जितनी ज़रूरत हो उतना ही खरीदो, तो हम डेफिनेटली अपनी लाइफ को तो बेटर कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ जो पुअर हैं, जो नीडी हैं एंड इवन द नेशन, हम उसकी भी मदद कर सकते हैं। यूजलेस चीज़ों पे खर्च करने से कोई पर्पस सर्व नहीं होता है। मनी जो है वो हाथ, यू नो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग हैंड्स। लाइफ अनसर्टेन है, इसीलिए अगर हम आज पैनी एक कोई भी पैसा आज सेव करते हैं तो कल वो हमारे को मेनी डिफ़िकल्टीज को स्टाव ऑफ करने में हेल्प करेगा। स्टाव ऑफ का मतलब होता है टू प्रिवेंट, राइट? सो नाउ आई बिलीव दैट फ्रुगैलिटी इन लाइफ इज़ द आइडियल वे टू लिव। आप यहाँ पे रेफरेंस ऑफ द चैप्टर भी दे सकते हो कि मेटिल्डा ने अगर पैसे ला, मतलब जब नेकलेस लूज हो गया तो उसने एक फ्रूगल लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया। उसने हर पैसे को, एक एक पैसे को बचाकर विद इन 10 ईयर्स शी वॉज एबल टू रिपे द डेट, राइट? अगर वो फ्रूगल ना होती तो पता नहीं कितने साल उसको उसी कंडीशन में लिफ जीना पड़ता। तो दैट इज़ हाउ यू कैन को रिलेट द क्वेश्चन टू द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज़ टू अटेंड अ क्लास पार्टी एट हिज और हर स्कूल एंड वॉन्ट्स टू परचेज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड शूज। ही और शी फील्स दैट दिस वुड मेक हिम और हर स्टैंड आउट इन द क्राउड। You receive a call from your friend asking advice on this matter. Write down that telephone conversation between your friend and yourself. अब question क्या है कि आपका एक दोस्त है, वो अपनी class की party में जाना चाहता है और वो बहुत expensive कपड़े और shoes खरीदना चाहता है। वो चाहता है कि वो पूरे crowd में अलग नज़र आए, उसका prestige बढ़े। अब वो आपको call कर रहा है फॉर एडवाइस ऑन दिस मैटर। आपने क्या करना है अब इस क्वेश्चन में, आपने ये कॉन्वर्जेशन को नोट डाउन करना है, राइट? और आपको उसके लिए क्यू भी दिया है। अ कॉन्वर्जेशन और अ डायलॉग राइटिंग इज द सेम थिंग, तो आपने वही फॉर्मेट फॉलो करना है। फ्रेंड कॉलिन, हे आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम यू, विल यू प्लीज हेल्प मी? फिर आप अपना ओपिनियन दोगे, यू नो, आप बोलोगे येस यू आर रेडी, हाँ बताओ क्या बात है। देन फ्रेंड विल से सो देयर इज दिस क्लास पार्टी आई हैव टू अटेंड, इट्स अ बिग डील, एंड देन इट विल फॉलो विद योर डायलॉग्स। सो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट। तो जब आपने कहा येस वी आर ट्रू फ्रेंड्स, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, तो वो आपको बताएगा सो दिस क्लास पार्टी आई हैव टू अटेंड, इट्स अ बिग डील। तो आप बोलोगे हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है, यू वॉन्ट टू शाइन आउट इन द क्राउड,
तो फ्रेंड बोलेगा, हाँ तुम तो मुझे बड़े अच्छे से जानते हो, अब मैं अपने पापा को कन्विंस करना चाहता हूँ दैट आई वॉन्ट टू बाय दैट ब्लेजर फॉर 10,000 रुपीज़। और आप उसको इमिजिएटली, फिर आपका यहाँ से एडवाइस शुरू होएगा कि होल्ड ऑन, रुको, मेरी बात खत्म होने दो। फिर आप उसको बताओगे कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, जिसका जो शाइन है, जिसका जो रुतबा है ऑलरेडी बहुत हाई है स्कूल में, ही इज़ अ वेरी वेल नोन बॉय। तो फ्रेंड बोलेगा कि तुम कहना क्या चाहते हो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। फिर आप अपने हिसाब से बोलोगे कि लिसन, यू आर अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, तुम्हारे सारे टीचर्स, तुम्हारे क्लासमेट्स, दे ऑलरेडी नो योर कैलिबर। तुम्हारे को फैंसी क्लोथ या एक्सेसरीज नहीं चाहिए टू एस्टैब्लिश योर रेपुटेशन। यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन अमंग ऑल। जो तुम ये ब्लेजर खरीद रहे हो, सॉरी, जो तुमने ये ब्लेजर अपनी कजन की मैरिज में खरीदा था, तुम उसी को पहन सकते हो, दैट टू विल लुक वेरी गुड। और तुम उसकी बजाय ये जो पैसे तुम 10,000 एक ब्लेजर पे खरीदना चाहते हो, यू कैन यूज इट फॉर सम अदर कोर्स। अब यहाँ पे मैंने रैंडमली मेंशन कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट? यू कैन टेल हिम दैट दिस इज द कोर्स ही हैज बीन यर्निंग फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 10,000 रुपीज ऑन अ ब्लेजर, दैट मनी कुड बी बेटर यूटिलाइज फॉर फर्दरिंग हिज एजुकेशन। सो दिस इज हाउ यू कैन एडवाइज योर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग कोट। वी आर टू इन्वॉल्व इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड दे डोंट सेटिस्फाई अस। द लविंग रिलेशनशिप्स वी हैव, द यूनिवर्स अराउंड अस, वी टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। दिस हैज़ बीन कोटेड बाय मिच एल्बम। अब इस कोट का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, हम उन्हीं में इन्वॉल्व हैं और वो हमें बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं देते। जो लविंग रिलेशनशिप्स हैं, जो धरती है, जो यूनिवर्स है, हमने इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि मटिल्डा वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद हर लाइफ एंड शी ऑलवेज डिजायर्ड मोर। अब ये जो गिवन कोट करता है, ये उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। हमने इस रिफ्लेक्शन को दिखाना है, प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है। तो हाउ डू वी डू इट? वी टॉक अबाउट मेटिल्डास मिडियोकर लाइफ स्टाइल। मिडियोकर का मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का लाइफ स्टाइल था, फॉर विच शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। उसको हमेशा लग्जरीज इन लाइफ चाहिए था। शी वॉन्टेड टू लुक द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन एट द बॉल, एंड फॉर दैट शी इंसिस्टेड दैट हर हस्बैंड बाय हर अ वेरी प्रिटी ड्रेस। हस्बैंड ने उनको किसी तरह से ड्रेस खरीद के भी दे दिया। स्टिल मेटिल्डा वॉज डिससेटिस्फाइड एंड नाउ वॉन्टेड अ नेकलेस, सो शी बोरोड वन फ्रॉम अ फ्रेंड। उसको ये बात नहीं समझनी थी कि ये जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, ये एक विशेष सर्कल बना देती हैं। हमें एक के बाद एक चीज़ हम डिमांड करते रहते हैं, जो हार्डशिप्स इन लाइफ, मतलब हम ये जो विशेष सर्कल है, ये कभी सेटिस्फैक्शन को आने नहीं देता। अब आगे क्या हुआ कि वो नेकलेस खो गया। मेटिल्डा और लॉयजल को अपने 10 ईयर्स ऑफ लाइफ बहुत हार्डशिप में गुजारना पड़ा इन ऑर्डर टू रिपेयर द नेकलेस। इफ शी हैड रियलाइज के हमें फैंसी थिंग्स नहीं चाहिए, मतलब वी शुड नॉट फोकस ऑन फैंसी थिंग्स, अगर उसने समझा होता कि रियल लव एंड ब्यूटी रिलेशंस में है, सिंप्लिसिटी में है, तो उसकी जो हैप्पीनेस है वो 10 गुना बढ़ जाती। इंस्टेड ऑफ लिविंग 10 ईयर्स इन पेन्यूरी, शी वुड हैव लिव्ड हर होल लाइफ इन एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एंड दैट इज वाई, दिस इज हाउ वी कैन जस्टिफाई कि मेटिल्डा इज एप्टली रिफ्लेक्टिंग द कोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नेकलेस चेंज द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ? तो वो एक डेट ट्रैप में फंस गए, जिसके कारण लॉयजल्स को एक ऑर्डिनरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहना पड़ा। मैडम लॉयजल को एक नौकरानी की तरह काम करना पड़ा। उनको और उनके हस्बैंड को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा टू रिपे द डेट। व्हेन आई टॉक अबाउट शी हैड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट, दैट डजेंट मीन कि वो दूसरों के घर में जाके काम कर रहे थे, बट अपनी मेड को हटा के और मेड की बजाय खुद उन्होंने वो सारे काम किए। दैट इज वॉट आई मीन दैट शी हैड टू वर्क लाइक अ मेड, लाइक अ सर्वेंट, राइट?
तो अब जब डेट इतना लिया तो डेट को रिपे भी करना था, तो उसके लिए भी मिसिया लॉयजल और मैडम लॉयजल को बहुत मेहनत करनी पड़ी। सो दिस इज हाउ हर एंटायर लाइफ वॉज चेंज ड्यू टू द नेकलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक ऑफ मिस्टर लॉयजल और एम लॉयजल एज अ हस्बैंड। तो वो बड़े केयरिंग थे, सपोर्टिव थे, उन्होंने हर एफर्ट किया टू शो हिज लव। अपनी वाइफ को हैप्पी करने के लिए उन्होंने अपनी शौक को सैक्रिफाइस किया, जो उन्होंने 400 फ्रैंक सेव किए थे टू बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड ऑफ कंप्लेन। ही गेव इट टू हर टू बाय अ पार्टी ड्रेस। जब नेकलेस लूज कर दिया तो उनकी जो इनहेरिटेंस थी 18,000 फ्रैंक्स, वो भी उन्होंने स्पेंड कर दी टू बाय अ न्यू नेकलेस। उसके अलावा जो डेट लेना पड़ा उसके लिए उनको बहुत सालों तक बहुत मेहनत करी। ही नेवर वंस कंप्लेन्ड और क्रिटिसाइज हिज वाइफ। सो मिस्टर लॉयजल वॉज अ ग्रेट केयरिंग एंड सपोर्टिव हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द कॉज ऑफ मेटिल्डाज रून, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। तो जो मेटिल्डा की वैनिटी थी, हर डिजायर टू बी एडमायर्ड, हर यू नो वीकनेस फॉर प्लेजर एंड वैरायटी, दैट बिकेम द कॉज ऑफ हर रून। वो इस चीज को अवॉइड कर सकती थी हैड शी लिव्ड विद इन हर मीन्स, हैड शी नॉट बोरोड द नेकलेस। अगर उसने अपने वाइल्ड डिजायर्स को कंट्रोल किया होता, देन शी कुड हैव लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। वी नाउ हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स नहीं है, बट दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड इन वन फॉर्म और द अदर, सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड द आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दोज हु आर सैटिस्फाइड विद वॉट दे हैव आर हैप्पी इन लाइफ। दोज हु एस्पायर मोर देन वॉट दे कैन अफोर्ड रियन देयर लाइफ। मेटिल्डा वॉज वन सच पर्सन। इफ शी वर कंटेंट विद हर लाइफ, शी वुड हैव लेड अ हैप्पी लाइफ। एलैबोरेट ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जिनके पास जितना भी है, अगर वो उस चीज से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो अपनी लाइफ में खुश होते हैं। जो हमेशा और की चाहत रखते हैं तो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। अब इन लोगों में से मटिल्डा एक थी जिन्होंने अपनी अगर वो अपनी लाइफ में कंटेंट रहती तो वो हैप्पी रह सकती थी, बट शी रियूंड हर लाइफ। तो अपने चैप्टर के बेसिस पे इस थॉट को इलाबोरेट करना है। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है, दैट इज एन एंटायर एलाबोरेशन ऑफ द सेम पॉइंट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम लॉयजल्स डिस्पोजिशन इनवाइट्स अ डूम। Elucidate with reference to the text. Again, the first and this question are the same. अब हमें पता है कि वो वेन क्रीचर थी, उन्होंने नेकलेस खरीदा अपनी वैनिटी के लिए, नेकलेस खो गया। अब हाउ वॉज अ लाइफ रियूंड, हाउ वॉज अ लाइफ डूम्ड। इट वॉज दोस 10 years विच शी लिव्ड इन पेन्यूरी, PENURY। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी में। अब कैसे रहे गरीबी में, अपना घर छोड़ के एक छोटे से एटिक में जाना पड़ा, मेड की सर्विसेज को निकालना पड़ा, खुद मेड की तरह काम करना पड़ा। इतना काम करना पड़ा कि ना तो ब्यूटी का ध्यान रहा, ना बालों का ध्यान रहा, ना हाथों का ध्यान रहा। सब कुछ कोर्स हो गया, रफ हो गया। शी वॉज लीस बॉदर्ड अबाउट हर अपियरेंस नाउ। सारा काम, जितने भी घर का काम था, यहाँ तक कि पानी भर के लाना, वो भी वो खुद कर रहे थे। नॉट ओनली हर लाइफ, इवन हर हस्बैंड, उनको दो दो शिफ्ट करनी पड़ी। सो ऑल दिस यू नो कम्प्लीटली रियूंड हर लाइफ, इट इन्वाइटेड डूम इन हर लाइफ। सो बोथ द क्वेश्चंस विल हैव द सेम आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, कंटेंटमेंट इन वंस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ पीसफुल लाइफ। वी शुड बी हैप्पी विद वॉट वी हैव एंड शुड नॉट क्रेव फॉर वॉट वी डू नॉट हैव। Matilda suffered in life because she was not content in her life. Her desires led to her disaster. What do you learn from her mistake in life? अब यहाँ पे उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई ये नहीं पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि हम क्या शिक्षा लेते हैं, हम क्या लर्न करते हैं मेटिल्डा के मिस्टेक से। तो हम समझते हैं कि वी शुड नॉट बी वेन, हमें अपने मीन्स के अंदर रहना चाहिए, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश होना चाहिए,
हमें और की कामना नहीं करनी चाहिए. सो दीज आर द लेसन्स विच कैन हेल्प अस लिव अ बेटर लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटिल्डास ओवर एम्बिशियसनेस वॉज द कॉज ऑफ हर डिस्ट्रक्शन जस्टिफाई. अगेन द सेम आंसर, नेकलेस बोरो किया वैनिटी सेटिस्फाई करने के लिए एंड देन द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, वो सारा कुछ आप बता दोगे. नेक्स्ट, मेटिल्डा वॉज वेरी प्राउड ऑफ अ ब्यूटी एंड चार्म एंड दिस लेड टू हर डाउनफॉल. एलैबोरेट. यस, अपनी ब्यूटी और चार्म के चलते ही उसने नेकलेस बोरो किया, नेकलेस को खोया एंड उसके बाद जो उनका रियून की स्टोरी है, कैसे उनकी जिंदगी पावर्टी से भर गई, वो पूरी कहानी आप लिख दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ लॉयजर. अगेन द सेम आंसर. तो आप देख रहे हो कि एक ही आंसर है, बस पूछने का तरीका हर बार डिफरेंट हो जाता है. अगर आपको थीम पता है, आपको पॉइंट्स पता है, फैक्ट्स पता है स्टोरी के, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. लास्ट क्वेश्चन, मेटिल्डा रियलाइज दैट वन लिटिल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस कैन लीड टू टोटल रून. वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एंड हाउ वुड यू मूव ऑन इन लाइफ. यहाँ पे नेग्लिजेंस क्या था? नेग्लिजेंस टू पे अटेंशन टू, यू नो, टू द फाइनर पॉइंट्स इन लाइफ. नेग्लिजेंस टू द फैक्ट दैट शी हैज़ मिसप्लेस्ड द नेकलेस. नेग्लिजेंस ऑफ द फैक्ट दैट शी डिड नॉट इन्फॉर्म मैडम फॉरेस्टियर ऑफ द लॉस्ट नेकलेस. और इन सब कारणों से क्या हुआ? और इन सब कारणों से क्या हुआ कि उनकी जो जिंदगी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई. अब हमने क्या सीखा? कि हमें वेन नहीं होना चाहिए. गलती हो गई तो उसको एक्सेप्ट कर लो, बी रेडी टू पे फॉर द मिस्टेक, बट उसको छुपाओ नहीं, उसको सामने से एक्सेप्ट कर लो कि हमसे ये गलती हो गई है. कभी भी अपने मींस के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए. और अगर गलती हो जाती है तो यू मूव ऑन इन लाइफ. जो करना है करना है. अगर अब 10 साल गुजर भी गए हैं, यू नो, उन्होंने किसी को नहीं बताया, अब 10 साल गुजर गए हैं, तो अगेन क्या हम उस बात पे रिग्रेट करते रहेंगे? और वी मूव ऑन. जो हो गया सो हो गया. पास को बदला नहीं जा सकता है, बट वी लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स एंड देन वी मूव ऑन. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस एंटायर सीरीज वॉज बेनिफिशियल फॉर यू. At the end, I would just like to wish you all the best for your forthcoming exams. Happy revision. And I hope you score above, you know, in your 90s during the examination. All the best. And thank you so much for giving me your valuable time.